टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें हम फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? फ्लूइड एट रेस्ट एंड द प्रेशर इन अ फ्लूइड और एग्जर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन इमर्स्ड बॉडी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो आपका जो फ्लूइड है, जब आपका किसी भी पहली चीज़ आपका फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए। जैसे कि आपका स्विमिंग पूल होता है, तो स्विमिंग पूल में जैसे कि आपका जो फ्लूइड है रेस्ट में है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है, बस उसमें भरा हुआ है, वहाँ से वो हिल नहीं रहा है। उस केसेस में अगर हम उस पर कोई ऑब्जेक्ट को डुबो दे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो जो फ्लूइड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे सब तरफ से अपना फोर्स अप्लाई करेगा, सब तरफ से अपना फोर्स अप्लाई करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कि जो आपका जो बॉडी है उस पे फ्लूड की तरफ से प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा, ठीक है? तो यही कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक्स, जहाँ पर हाइड्रो का मतलब है फ्लूड या वाटर, ठीक है, और स्टेटिक्स का मतलब है उसकी स्थिति, मतलब जो रेस्ट में है ना, आपका फ्लूइड यहाँ पर रेस्ट में है, ठीक है? तो फ्लूइड रेस्ट में हो करके जितना फोर्स आपका उस बॉडी पे लगाता है, जितना आपका टोटल फोर्स उस बॉडी पे लगाता है सब तरफ से, उसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स। तो ये आपको देखने को मिल सकता है जब भी, अगर आप भी एक स्विमिंग पूल में कूदेंगे, तो स्विमिंग पूल में जाने के बाद आपको फ्लूइड का हर तरफ से आपको प्रेशर या फोर्स आपको अप्लाई होते हुए मिलेगा, वही कहलाता है आपका हाइड्रोस्टेटिक्स। अब हम ये जानेंगे कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टोटल प्रेशर क्या होता है। तो टोटल प्रेशर फ्लूइड का ही एक प्रेशर है जो प्रेशर फ्लूइड अप्लाई करता है, ठीक है? तो टोटल प्रेशर को हम हाइड्रोलिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोलिक हम किसे कहेंगे? जो फोर्स हमारा फ्लूइड के द्वारा लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक फोर्स। तो ये आपका टोटल फोर्स या हाइड्रोलिक फोर्स की वैल्यू है, ठीक है? तो ये हमारे इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, हमारे इस ऑब्जेक्ट पे हाइड्रोलिक फोर्स आपका लगेगा, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट पे हमारा हाइड्रोलिक फोर्स या टोटल प्रेशर लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोलिक फोर्स या टोटल प्रेशर का फॉर्मूला मैं लिखूंगा रो जी एच बार और एरिया। तो यहाँ पर आपका जो रो है क्या शो कर रहा है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जैसे कि अगर ये वाटर है, अगर ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है? 1000 kg/m³, ठीक है? तो रो क्या शो कर रहा है? फ्लूइड की डेंसिटी। जी शो कर रहा है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 m/s². फिर यहाँ पर बात आती है एच बार क्या है। तो एच बार वाटर का जो फ्री सरफेस है ना, जो वाटर का जो फ्री सरफेस है वहाँ से लेकर के इसके सेंट्रोइड तक के का डिस्टेंस है। बात आ रही है समझ में? ये डिस्टेंस जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाटर का एंड है, ठीक है? ये वाटर का एंड है, ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है। तो इस फ्री सरफेस से लेकर के आपका जो सेंट्रोइडल तक के का ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रोइड है वहाँ तक के का जो डिस्टेंस है वो है आपका एच बार, वो है आपका एच बार, ठीक है? तो बात आपको आ गई होगी समझ में। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? अगर ये ऑब्जेक्ट का है विड्थ है बी और इस ऑब्जेक्ट का हाइट है डी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बी इंटू डी, बेस इंटू डेप्थ। तो ऐसे करके आप हाइड्रोस्टेटिक फोर्स या टोटल प्रेशर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स या टोटल प्रेशर आपका क्या था? ऐसा फोर्स जो फ्लूड के द्वारा आपके ऑब्जेक्ट्स पे लगाया जाता है,
जब आपका फ्लूड रेस्ट पे होता है। इसके लिए आपका फ्लूड रेस्ट पे होना जरूरी है। अगर आपका फ्लूड कंटिन्यू फ्लो करता जा रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ तभी एक्ट करेगा जब आपका फ्लूड रेस्ट पे हो, ठीक है। अब हम जानेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपके ऑब्जेक्ट का ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पर आपका जो पूरा प्रेशर कंसंट्रेट होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर का जो सेंटर पॉइंट है वो है। दूसरे शब्दों में हम सेंटर ऑफ प्रेशर को ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर का जो फ्री सरफेस है, यानी कि वाटर का ये वाला फ्री सरफेस, वहाँ से कितना डेप्थ में हमें ऑब्जेक्ट का सेंटर देखने को मिलेगा। मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी नीचे वाला सेंटर की बात कर रहा है, तो वो कहलाता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हम इसे फार्मूला के टर्म्स में कैसे डिनोट कर सकते हैं? जैसे कि आप इधर फिगर में देख सकते हैं, एच बार मेरा वाटर के फ्री सरफेस से लेकर के ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस को शो कर रहा है, और जो मेरा एच स्टार है वो मेरे सेंटर ऑफ प्रेशर को शो करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ रहा है जब मेरा फ्लूड रेस्ट पे है। तो इसे और ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी सिंपल वर्टिकल है, ओके। तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एच स्टार इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई एच बार ए प्लस एच बार। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो मेरा एच स्टार का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला है, उसका जब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इसमें एच बार आपका एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है। मतलब कि आपका एच एच बार आपका जो भी हो उससे ज़्यादा ही वैल्यू आपका आएगा एच स्टार का, ठीक है। कभी भी आपका एच स्टार का वैल्यू एच बार से कम नहीं आ सकता, क्योंकि आप देख सकते हो फॉर्मूला में, एच स्टार के फॉर्मूले में आपका एच बार प्लस में है। तो अगर एच बार की वैल्यू अगर मान लो मेरी 2 मीटर है, तो एच स्टार की वैल्यू 2 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती। इसीलिए डायग्राम में भी एच स्टार को नीचे शो किया है, तो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर भी उस लिहाज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आएगा, इसलिए हमारा फिगर कुछ इस तरीके का बना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर एच स्टार क्या है? एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर, आई है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पर जनरली रेक्टेंगल केस का ही बात करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया के लिए आपको चाहिए होगा इसका विड्थ बी, और इसका चाहिए होगा डेप्थ डी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया यहाँ पर क्या निकल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्सिया रेक्टेंगल के लिए होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। बी डी क्यूब अपॉन 12 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी होती है। अब जो एच बार है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशन को शो करता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल के लिए देखो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए देखो, चाहे आप वर्टिकल प्लेन के लिए देखो। पर इंक्लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन की बात करें या इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि डूबा हुआ है हमारे फ्लूड में, तो उस केस में हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा उसको हम देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं उसे इंक्लाइंड सरफेस में एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक्सटेंड करने का मतलब है सिर्फ मैं उसे प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ, और प्रोजेक्ट करने पे मुझे ये 2 पॉइंट मिलेंगे, तो सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए मैं इसको एच बार लिखा हूँ जो कि सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट है, और सॉरी एच स्टार जो सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट है, और जो एच बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है, तो मैं एक्सटेंड करने के लिए इसको बताया हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो एच स्टार है या सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी क्या वैल्यू होती है उसको देखते हैं। तो एच स्टार इक्वल टू
आई, अब आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट एक्स एक्स, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बता चुका हूँ, जैसे रेक्टेंगल का होता है बी डी क्यूब बाई 12, जहाँ पर बी उसका विड्थ है, डी रेक्टेंगल का डेप्थ है, तो आई साइन, आई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर थीटा कौन सा है, ये एंगल, ये वाला एंगल है जिस एंगल से आपका प्लेन इंक्लाइंड है, डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार प्लस एच बार। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन के लिए कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, ओके।